के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो के उनका विजिट है अब अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ रही हैं, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। फिर इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील्स नजर आ रही है। तो साथ ही साथ एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुहाइदे कर सकता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल क्या हो रहा है इस वक्त पूरी, एक खासकर उस रीजन में भारत के हवाले से मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूं। मैं एक तो ये बताऊंगा कि मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने तकरीबन हर साल आते रहे हैं, लेकिन उनका ये पहला स्टेट विजिट है। और उनके इस विजिट से पहले जो, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, लॉयड ऑस्टिन गए हैं, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो गए भारत के दौरे पे, जैक सॉलोमन वो गए। और इस वक्त सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है अमेरिका के लिए वो क्या है, इस रेसिप्रोकल बेसिस पे जो चीजें चल रही। अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ इस बात, अमेरिका की जरूरत ये है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये दो ऑब्जेक्टिव है सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। अब उसमें भारत के लिए उसमें क्या है, भारत के लिए उसमें ये है कि पहले सबसे ज्यादा असला जो है भारत रशिया से लेता रहा है। अब वो क्वालिटी ऑफ रशियन जो आर्मामेंट्स है वो अमेरिकन टक्कर की नहीं है। उनका गेन उसमें ये है कि एक वो अमेरिकन असला इनसे खरीद लेंगे और दूसरा उस असले के साथ, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जब ये ट्रेड्स होते हैं आपस में, ये खासकर लार्जर स्केल पर, तो उसका कंडीशन ये होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, व्हेन यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। ये उस वक्त के क्वेश्चन किए जाते थे डिफेंस मिनिस्टर्स को, लेकिन वो एक्सक्यूज देते थे इधर उधर के। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत है वो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। अब मैं जो तेजा जहाजों का, अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि तेजा जहाज तो उन्होंने बनाया, लेकिन उस और दूसरे उनके पास मिग तैयारे हैं पुराने रशियन मेड जो हैं। और आपने देखा होगा कि पिछली दफा जब पाकिस्तान भारत की भी कन्फेडरेशन हुई तो उसमें भारतीय जो एयरफोर्स थी वो कमजोर नजर आती थी, तो वो उनकी अपनी कमियां पूरी करना चाहते हैं। इस वक्त दो चीजें हैं, एक तेजा जहाजों का जो इंजन वहां मैन्युफैक्चर होंगे और उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी, दूसरी इस वक्त जो है वो चल रही है जो सबसे ज्यादा डील होगी $3 बिलियन के ड्रोन्स, जो 30 ड्रोन्स हैं जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था लेकिन अब वो खरीदेंगे उनको। तो उसमें यहाँ पे मैं ये मिसाल देना चाहूंगा, एक खास मिसाल ये देना चाहूंगा, पिछली दफा जब चाइना ने आपस में झड़प इनकी हुई थी तो उस वक्त GPS सिस्टम जो था, इंडिया वॉज एस्किंग देम टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अस, तो GPS इंफॉर्मेशन, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने रिफ्यूज किया था, नहीं दिया था। लेकिन अब वो बात नहीं है, दे आर मूविंग मोर क्लोजर। तो अब वो टेक्नोलॉजीज, वो GPS सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम, और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे कि वहां पे चिप जो है वो भी उनकी $1 बिलियन से कुछ की आगे जो मजीद बात चल रही है। और इस वक्त जो मैं समझता हूं कि अमेरिका जो है वो इन अ वेरी वीकर पोजीशन और वो इज ट्राइंग टू गेट क्लोजर वर्सेस द भारत। अब भारत की भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट, मैटर फैक्ट वो ये है, एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से, हमने चाइना के साथ भी हमने उस लेवल पर नहीं जाना जहां अमेरिका उनको लेके जाना चाहता है। तो इस वक्त भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट, और लेकिन उनके दौरे के लिहाज से जो सबसे बड़ी बात है, अगले 3-4 ये अगला हफ्ता पूरे यहाँ पे बिजी होंगे, ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे मोदी साहब, और व्हाइट हाउस के सामने एक पार्क है जिसको पूरे को बुक कर लिया गया है, वहां पे कल्चरल इवेंट्स होंगे। तकरीबन 5 से 7 हजार भारतीय निजात अमेरिकन को व्हाइट हाउस में बुलाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह हुआ है, जब पिछली दफा पोप जॉन पॉल आए थे तो तब इतने लोगों को बुलाया गया था वहां पे। उसके बाद
सबसे बड़ा एक योगा एक्सरसाइज होगी न्यूयॉर्क के अंदर, वहां से वो योगा को प्रमोट करेंगे। और मैं समझता हूं कि इंडिया एंड यूएस इज गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। अब उसमें मैं थोड़ा सा रीजनल अपने उस तरफ जाना चाहूंगा, पाकिस्तान की तरफ। तो आपके आईएमएफ के साथ रिलेशनशिप खराब है, और दूसरी स्टेटमेंट अभी डार साहब ने दी है, और सारे लोग भी अब जियोपॉलिटिकल की बात कर रहे हैं। उन्होंने, डार साहब ने अगले दिन कहा है कि चाइना समझ चुका है कि जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से आईएमएफ इज नॉट वर्किंग विद अस। सो उनका दर हकीकत उनका इशारा यही था कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द चाइनीज कैंप, अब चाइना हमें रेस्क्यू करेगा। यहां तक खबरें भी नहीं आ रही हैं बाहर के, शायद चाइना विल पे ऑफ द लोन्स, एंड पहले भी आपके लोन्स का 30% जो शेयर है वो चाइना ओन करता है, आप यू ओ टू देम। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह होगी, डार साहब की बातों से लग रहा है, और आपके पिछले दिनों भी आपको जो क्राइसिस थे आपको चाइना ने ही रेस्क्यू किया है, अब उसकी बात यह होगी कि चाइना विल ऑलमोस्ट टेक ओवर योर फॉरेन पॉलिसी। जिस तरह माजी में मैं कहता था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पैसा रिलेटेड होती है, अब वो उसकी ट्रू फॉर्म सामने आ जाएगी। अब उसके साथ तश्वीश ये होगी कि आपके आपको चाइना यूज करेगा अगेंस्ट इंडिया, आपके भारत के साथ अगर आप चाहेंगे भी तो रिलेशनशिप तो ठीक नहीं हो पाएंगे, जो कि आपकी इस वक्त मैं समझता हूं आपकी जरूरत है। इट इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट, आपको ट्रेड की बहुत सख्त जरूरत है उनके साथ। और दूसरा अगर देखा जाए तो भारत अपना हैज रिजन एज अ रीजनल सुपर पावर, तो उसमें आपका चाइना विल यूज यू, दे विल ट्विस्ट योर आर्म, विल कम इनसाइड, ग्वादर वाली साइड पे आएंगे, आपकी सीपैक बढ़ेगी, वो चीजें हो सकता है, आपको फाइनेंशियल उसके असर तो होगा कुछ असर, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा पैसा तो करप्शन में लंदन और बाहर चला जाएगा जिस तरह माजी में होता रहा है, लेकिन कुछ आएगा, आप सर्वाइव करते रहेंगे, आप बैंकक्रप्ट नहीं होंगे। जिस तरह अगले दिन डार साहब ने एक दफा फिर फरमाया कि आईएमएफ चाहता है कि हम पहले डिफॉल्ट करें श्रीलंका की तरह और फिर हमारी हेल्प की जाए, हम वहां नहीं जाएंगे। तो दर हकीकत यू आर मूविंग क्लोजर टू द चाइनीज कैंप, और मेरे ख्याल में अगर आप केयरफुली उनके साथ काम करें, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के काम करें, तो मे बी कैन बी गुड फॉर योर फ्यूचर। लेकिन अगर रूथलेस होके वही किकबैक्स लेने के चक्कर में और ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ साइन करें, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इतने ज्यादा परसेंटेज पे साइन कर लें, सिर्फ ये देखा जाए कि हमें किकबैक्स लंदन और दुबई में कितनी जल्दी मिलती हैं, तो अल्टीमेटली वो किसी के साथ भी साइन करेंगे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि दिस इज गोइंग ऑन करंटली। लेकिन उसमें मैं दूसरे एक बात और यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो यूक्रेन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें से रशिया, चाइना और अमेरिका, दे आर लर्निंग द न्यू व्हाट इज गोइंग ऑन विद द ड्रोन टेक्नोलॉजी, और अगली वॉर जो ताइवान में होगी उसको किस तरह लड़ा जाएगा, दे आर टेस्टिंग, ऑल दीज थ्री सुपर पावर्स दे आर टेस्टिंग। और अब जो नई चीजें खासकर इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में आ रही है, अनमैन्ड बोट्स जो आ रही है, अगले दिन उन्होंने अनमैन्ड बोट्स जो है वो समुद्र में चल रही है, ड्रोन्स भी खासकर 3-4 किस्म के ड्रोन्स हैं जिसपे इंडियन ओशन को, भारत जो है इंडियन ओशन पे नजर रखना चाहता है। लेकिन मैं यहाँ पे बॉटम लाइन में जो कंक्लूड करूंगा, जब भी मैं टेक्नोलॉजी और जंगों के बारे में सोचता हूं तो अमेरिका जिस तरीके से अपना असला फेंक कर $85 बिलियन का अफगानिस्तान से भागा है वो मुझे अभी तक भूलता नहीं है। तो उसमें मैं यही समझता हूँ कि जंगें असलों से नहीं लड़ी जाती, जंगें विल के साथ लड़ी जाती है। ये दो जंगों का मैं रेफरेंस यहाँ पे देना चाहूंगा कि टर्की ने ड्रोन दिए थे अजरबैजान को और उन्होंने डिफीट किया वहां पे, और इस वक्त ईरान उनका एक शायद उनका अपना एक कामाकाजी टाइप उनका ड्रोन है जो कि इस वेरी डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है जो वो रशिया को दे रहे हैं, और रशिया इज यूजिंग अगेंस्ट यूक्रेन। और तो टर्की और ईरान अगर इस तरह की चीजें बना सकते हैं तो चीजें इट्स नॉट दैट इजी। अमेरिकन सुप्रीमेसी जो है आपने देख ही ली है कि 3-4 मुल्कों के अंदर अमेरिका गया और किस तरीके से वो वहां से जलील ख्वार होकर निकले हैं, जिसमें इराक की मिसाल है, लीबिया की मिसाल है, सीरिया की मिसाल है, और आखिरी मिसाल है फॉल ऑफ काबुल। मैं समझता हूं कि बच्चा फ्यूचर में जो है, मैं बल्कि अक्सर अपने अमेरिकन दोस्तों से ये पूछता हूं जो अच्छी पोजीशंस में है, तो मैं कहता हूं कि व्हाट यू हाउ यू विल जस्टिफाई टू द स्टेट डिपार्टमेंट स्कूल एंड यू विल बी वॉरफेयर स्कूल्स कॉलेजेस और वेस्ट पॉइंट में किस तरह लोगों को जस्टिफाई अपने आने वाली नस्लों को करोगे
कि हम इतनी सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास, लिथियम है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बनाती हैं, आपके B-2 बॉम्बर है, इवॉक्स बनाती हैं, आप स्पेस में जाते हैं, लेकिन आप तालिबान के सामने घुटने अपने नाक रगड़ के आए हो, आप किस तरह, हाउ विल यू जस्टिफाई? तो मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत जो है, अच्छा दूसरा उसमें मैंने एक बात जो मैं बिल्कुल भूल गया हूं बताना, मैं इसे करना छोड़ गया हूं, कि इंडिया इज टेकिंग एवरीथिंग टू द नेक्स्ट लेवल, और उसमें एक सबसे बड़ा फायदा जो मेरी नजर में है वो ये होगा कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस उनका मजीद बढ़ेगा, और जो जो अपना ये घेरा अमेरिकन तंग करेंगे चाइना के खिलाफ, तो वो जो चाइना में सारा पहले बिजनेस है सारा वो वहां से निकल के भारत जाएगा, और फाइनेंशियली भारत उससे मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। जिस तरह हम मैक्रोन की बात कर रहे थे वो एक मिसाल है, उसके बाद इलॉन मस्क की मिसाल है, और दूसरी मिसाल आपकी है कि एप्पल वहां जा रहा है। अब मैं तीसरी बात चाइना की बताना चाहूंगा, पिछले हफ्ते एक बड़ी एक और बात भी हुई है, सबसे पहले इलॉन मस्क गए हैं वहां पे चाइना के दौरे पे, उसके बाद टिम कुक के हैं, उसके बाद एप्पल वाले, और तीसरा जो दौरा है अभी बिल गेट्स का, ही मेट द चाइनीज प्रीमियर यस्टरडे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त चाइनाज इकॉनमी इज डाउन, एट द सेम टाइम उनकी रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर रही है, उनका सप्लाई चेन जो है वो रिस्टोर ही पूरे तरीके से नहीं हुआ कोविड के बाद, और उस स्लगिश इकॉनमी की वजह से चाइनीज दे आर इन्वाइटिंग बिलियनर्स from all over the world and asking them what should be done. और उस पे वो इन तीनों ने जो मिलके, मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इन्होंने यही कहा था कि अपने रूल्स रेगुलेशंस को ईज अप किया जाए, जैसे जीरो टू कोविड पॉलिसी को आप रिवर्स करें, और उसके बाद ये के और इस तरह की चीजें इन्होंने सब तीनों बिलियनर्स ने दी हैं, लेकिन चाइनीज इकॉनमी इज नॉट स्ट्रॉन्ग एट द सेम, इट्स लाइक इट इज नॉट द वे इट वाज। और साहिद साहब, आपने एक सवाल के जवाब में बहुत ही जबरदस्त तरीके से इनडेप्थ एनालिसिस हमारे सामने पेश कर दिया इस वक्त ये जो कुछ उस विजिट से पहले जितनी भी डील्स हुई हैं। अच्छा, इसमें दो सवाल है अभी मेरे पास। एक सवाल तो ये है कि एक और भी डेवलपमेंट, जैसे आपने योगा की बात की, तो जो कल्चर है वो भी एक ऐसा इतना रिच कल्चर होना चाहिए कि दूसरे कंट्रीज उसको फिर उससे भी आपकी तरफ खींचे चले आए। तो उसमें मैं एक ये भी देख रही थी कि पहली मरतबा कैपिटल हिल में हिंदू समिट करवाई जा रही है, और उसमें बड़े वहां कहा जा रहा है कि कांग्रेसमैन भी हिस्सा लेंगे और होंगे, तो आपके आपके पास भी ये वाली खबर होगी कि एक ऐसी समिट भी पहली मरतबा वहां पे होने जा रही है, ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही हो रही है। देखिए, मैं इस वक्त मैं एक और बात कोट करना चाहूंगा, एक मैं इवेंट में था जहां पे भारतीय एम्बेसडर आए थे तरनजीत संधू साहब, और उन्होंने एक रिमार्केबल बात की थी, मैं और आई एग्री विद देम। उन्होंने कहा था अब ये दिस इज अ ट्रेंड इन अमेरिका, अगर किसी भी कंपनी के बोर्ड के ऊपर भारतीय नजाद एक बंदा उनके बोर्ड में नहीं है तो उनके स्टॉक ऊपर नहीं जाते। दिस इज ट्रू। मैं अक्सर ये पूछता, बल्कि मैं बात करता हूं कई दफा यहां अपने डायलॉग इनके साथ, कि यू हैव आउटसोर्स योर इंटेलेक्ट, जो कि पहले यहां पे अमेरिकन होते थे सीईओ अपनी कंपनियों के, इस वक्त ट्रेंड है कि सारे इंडियन आते हैं वहां से। अब इनके जेन में ये डाल दिया गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो लोग पढ़ के आते हैं दे आर सुपीरियर माइंडेड देन यू आर। आज से कुछ अर्सा पहले मैं समझता था MIT यहाँ पे मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बहुत एक प्रेस्टिजियस स्कूल है, यहाँ पे हमें ना बताया नहीं जाता, बल्कि इस फैक्ट कि MIT में एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता, उनका क्राइटेरिया इतना स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, इंस्टीट्यूशंस मेक द लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस द लीडर्स। उनकी टक्कर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का टक्कर का एक भी इंस्टीट्यूट इस वक्त पाकिस्तान या उस रीजन के अंदर मौजूद नहीं है, जो कि अफसोस के साथ मैं कहूंगा। और दूसरा माइंडसेट जो है, मैं अक्सर अपना किला शिकवा जो करता रहा हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके पूरी दुनिया पे जो है वो तरक्की कर रहे हैं, वर्सेस हमारे लोग जो हैं 400-500 साल पुराने स्कूलों से पढ़ के हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से मनी लॉन्ड्रिंग सीख कर जाते हैं पाकिस्तान, और मनी लॉन्ड्रिंग में बिजी हो जाते हैं। मैं दुख के साथ कहूंगा, मैं आज से हफ्ता पहले कनाडा गया था, और मेरे ख्याल में इस वक्त कनाडा आपके करप्ट पाकिस्तानी लोगों के लिए इस वक्त दैट्स अ हेवन, इज अ मैक ऑफ देम। मैंने इतने करप्ट आपके वहां पे सर्विंग ऑफिसर देखे, मुझे पता चला था कि वो टोरंटो में, कि आप सोच नहीं सकते, सर्विंग, और उनकी फैमिलीज तो परमानेंट वहां रहती हैं, और महल नुमा बंगले हैं उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं ये आप अक्सर कहता हूं, देखें पाकिस्तान की ट्रेजेडी है कि जब 18वें-19वें ग्रेड पे CSS ऑफिसर जाता है, ICS ऑफिसर जो CSS, उसको गवर्नमेंट भेजती है बाहर मास्टर्स करने के लिए, वो यहां से जाता है बॉडी लेकर, दिल और दिमाग ही छोड़ जाता है,
और निशानियां लगा जाता कि यहाँ मैं यहाँ अपना महल बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, होते वो लोअर मिडिल क्लास से, फिर वो महल बनाते हैं, उन्होंने बना लिए हैं वहां पे। आप टोरंटो जाएं, आप, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, आपके इतने हाई प्रोफाइल लोग मैंने इस पिछले वीकेंड पे मैंने टोरंटो में देखे हैं, मेरा दिल खून के आंसू रोता था। उसकी वजह यह है कि मुझे उन दीवारों में से पाकिस्तानियों के खून की स्मेल आती थी कि ये मेरी कौम का खून चूस के लाए गरीबों का, और ये यहाँ पे ऐसा ऐसा महल बना के बैठे हैं। और फिर ये कहते हैं जी, फिर कहेंगे पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, 76 साल से तुम उसके कपड़े फाड़ रहे हो, तरक्की क्या करेगा वो? आप ये सोचो ना, टोरंटो में अगर महल बनाना है किसी 19वें ग्रेड के अफसर ने, 20वें ग्रेड के अफसर का महल आपने देखे, आपके पाओ के नीचे जमीन गुजर रहे, आप परेशान हो जाते। अब मैं स्टेटमेंट दूसरी कहना चाहूंगा आपसे, कराची का इलेक्शन देखे आप, मेरा दिल खून के आंसू रोया कराची के इलेक्शन का रिजल्ट देख के। उसके बाद आपका इलेक्शन हुआ है नून लीग के अंदर, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले पे किसी ने एप्लीकेशन ही नहीं दी, दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन जो मरियम नवाज को दी उनके मुकाबले पे किसी ने एप्लीकेशन ही नहीं दी, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो ये जमहूरियत है, ये मुल्क है ये, और पता है आपको, मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं, आपको सबको पता है, हर पाकिस्तानी को पता है। अगले दिन ख्वाजा साहब ने असेंबली के अंदर तकरीर की है, उन्होंने गिन के बताया जो लोग टैक्स नहीं देते। भाई यार, आप हुकूमत में हो तो जाके पॉलिसी बनाओ ना यार, उनको घेरा तक, वरना रिजाइन करो, वरना रिजाइन करो। आप क्या कर सकती है इस बारे में, वो तो आप पकड़े जो जिनका काम है। अच्छा साजी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे सर, सवाल ये है, कुछ बयान किया इसका जो क्रक्स है, यानी जब हमने बात की इंडिया पाकिस्तान अमेरिका और चाइना की, तो अब उससे ऐसा नजर आ रहा है, क्या आप ये कह रहे हैं कि अब चाइना ही डील करेगा पाकिस्तान की जगह, अब अमेरिका, इंडिया और चाइना है, हम दरमियान से निकल गए हैं, हमारी जगह अब चाइना आ गया और वो डील करेगा, ऐसा है? डेफिनेटली, उसकी वजह यह है कि आपके एक तो फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, बिल्कुल ही हालात खराब है आपके, और दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं है पॉलिटिक्स क्या चीज है, जमहूरियत क्या चीज है, ये सर्कमस्टांसेस। और दूसरा, बाकी मैं तो शुरू से कह रहा हूं जियो पॉलिटिक्स चल रही है उस रीजन के अंदर, शुरू से मैं कहता हूं। और तीसरी बात यह है कि भारतीय डायस्पोरा को यू कैनॉट कन्फ्रंट इन दिस कंट्री, भारतीय लॉबी को आप, यू डोंट एग्जिस्ट इन वॉशिंगटन डीसी। पता नहीं किस मुंह से आप कहते थे कि हम IMF से लेंगे, वो लेंगे। मेरे जानने वाले लोग हैं वर्ल्ड बैंक में, IMF में, मुझे एग्जैक्टली पता है कि वहां पे भारत का इतना इन्फ्लुएंस है। और आपका इन्फ्लुएंस क्या होना है, आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। आपका जो 5-6 हजार बंदा जो आपका रूलिंग एलीट है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। मैंने अगले दिन आपको शायद आप ही के सेगमेंट में मैंने कहा था कि इस वक्त आपके रूलिंग एलीट के दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो कहता है कि हम चाइना से CPEC बना के लूटना चाहते हैं, दूसरा ये चाहते हैं कि हम CPEC को रोक कर तो अपने लंदन में और अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ उन दो ग्रुपों की आपस में लड़ाई है, कोई तीसरी चीज है ही नहीं, कोई तीसरी चीज नहीं है। CPEC के ऊपर लड़ाई हो रही है आपकी रूलिंग एलीट की, वो जो टोरंटो वाले हैं जिनके महल यहाँ पे हैं या लंदन में जिनके महल हैं, उनकी लड़ाई आपस में। टोरंटो वालों का नाम तो बता दें नहीं, मैं उनमें से कई मेरे जानने वाले, मैं अच्छा नहीं लगता मैं कहूं, लेकिन आपके सर्विंग, आई वाज शॉक्ड कि सर्विंग 20-20 ग्रेड के अफसर जो हैं जिनके बच्चे वहां बैठे हैं महलों के अंदर, उनको मैंने देखा, मेरा दिल दुखता है ऐसी। और मैं ये नहीं कि मैं आपके यहाँ सेगमेंट में कह रहा हूँ, मैं वहां पब्लिक पूंगे सोशल गैदरिंग में मैं कह के आया कि दिस इज नॉट हाउ पाकिस्तान कैन सर्वाइव, दिस इज नॉट हाउ इट कैन सर्वाइव। आपने नाम नहीं लिया, लेकिन पता तो उन्हें तब भी चल जाएगा अगर उन्होंने, हाँ पता तो चल जाएगा। आपके बड़े बड़े जुडिशरी के बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम छोड़, लेकिन इसमें हम कोई, मैं और आप जो भी बात कर रहे हैं कोई भी नई बात नहीं है, ये सारी लोगों को पता है, इनके हाथ में स्मार्टफोन है, इनके हाथ में इन्हें पता है। मेरा अलमिया ये है आलिया, हर बंदे को पता है प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन किसी के पास नहीं, क्योंकि सोल्यूशन के लिए नेशनलिज्म चाहिए, सोल्यूशन के लिए किरदार चाहिए, सोल्यूशन के लिए शराफत चाहिए, वो इस वक्त पाकिस्तान में नापैद हो चुकी है। और सोल्यूशन कराची के इलेक्शन, आप मुझे कराची का इलेक्शन देख के बता दें वहां शराफत हुई है, किरदार चला है वहां।